तो आज की कहानी है कि कैसे हमने तीज सेलिब्रेट किया फर्स्ट टाइम इंडिया से कोसों दूर। लेट्स गो टू फ्लैशबैक वन डे बिफोर फ्रॉम वेयर ऑल प्रिपरेशन स्टार्टेड। लेकर एक शॉपिंग कार्ट हम पहुंच गए वॉलमार्ट। नंबर वन फ्रूट हो गया हमारा प्लम और टोटल हमें 5 फ्रूट्स लेने हैं, राइट? लेकर आ गए हम सारा सामान। लेट्स स्टार्ट मेकिंग डिलीशियस पकवान। सत्यानाश हो गया हमारे नर्सर, बट इसे हम बनाएंगे भी और खाएंगे भी, जैसा बनेगा वैसा। तो अब हम लोग पूजा शुरू कर सकते हैं? हाँ जी, सब कुछ तैयार है, आ जाओ। पूजा स्टार्ट करने से पहले एक बात बताओ, व्हाई डू वी सेलिब्रेट तीज फेस्टिवल? इट इज अ निर्जला व्रत व्हिच इज सेलिब्रेटेड बाय विमेन फॉर हेल्थ एंड लॉन्ग लाइफ ऑफ देयर हस्बैंड्स। इस दिन सारी लेडीज सूर्योदय से व्रत स्टार्ट करती हैं, सजती हैं, सवरती हैं, दे ड्रेस अप ऑलमोस्ट लाइक अ ब्राइड, मेहंदी लगाती हैं, फिर शाम में मिट्टी और बालू से शिव पार्वती और गणेश जी की मूर्ति बनाती हैं, फिर उनकी पूजा होती है और कथा और भजन भी होता है, और अगले दिन फिर फास्ट खोलते हैं। वैसे तो बहुत सारे तीज मनाए जाते हैं इंडिया में, बट दिस वन इज कॉल्ड हरतालिका तीज, जिसकी कहानी है बहुत ही पुरानी। तो कहानी कुछ ऐसी है कि पार्वती जी के पिता ने उनकी शादी विष्णु जी के साथ तय कर दी थी, लेकिन माँ पार्वती भगवान शिव से शादी करना चाहती थी। सो पार्वती जी टुक हेल्प फ्रॉम वन ऑफ हर फ्रेंड्स टू हाइड हर इन थिक फॉरेस्ट सो नो वन कुड फाइंड हर, एंड सिंस हर फ्रेंड अबडक्टेड हर, द फेस्टिवल केम टू नोन एज हरतालिका, मीनिंग किडनैपिंग ऑफ अ फ्रेंड। वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा किनारे मिट्टी बालू की शिवलिंग बनाकर शिव जी की प्रार्थना की, और लास्टली शिव जी उनके सामने प्रकट हुए, और फिर माँ पार्वती की इच्छा फाइनली पूरी हो गई। दैट्स व्हाई सेम डे हरतालिका तीज इज सेलिब्रेटेड एंड द सेम स्टोरी इज नरेटेड इन हरतालिका तीज कथा। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं हरतालिका तीज व्रत कथा की। हे गौरी पर्वतराज, हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। आरती श्री शंकर जी की। जय शिव ओंकार, भज शिव ओंकार। सिंदूर सोए मूसे की सवारी, आम चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। खुश रहो, बी हैप्पी ऑलवेज।